हेलो इकोनॉमिस्ट्स, ये वीडियो हमारे गूगल क्लासरूम के स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनोमेट्रिक्स वीडियो सीरीज का सबसे पहला लेक्चर है। इसमें हम सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स का वो कॉन्सेप्ट है जो इकोनोमेट्रिक्स में बार बार आता है और अक्सर स्टूडेंट्स इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम आपको मीन का फॉर्मूला नहीं सिखाएंगे, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे और सैंपल पॉपुलेशन मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो मीन है उसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा और बाद में अगर स्टैट आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो वहाँ भी पढ़ा होगा। तो यहाँ होता है समेशन ऑफ एक्सेस यानी एक्स आई बाय एन होता है। तो इस तरह से आप मीन निकालते हैं, यानी कि आपके पास एक डेटा रहता है एक्स आई, इसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आप उसका सम कर सकते हैं जिसे हम समेशन ऑफ एक्स आई कहते हैं, और इसमें जितने डेटा पॉइंट है यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन है उसे आप एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका मीन निकल जाता है। यहाँ पे एक बात समझने की चीज है कि जो फॉर्मूला होता है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का वो सेम ही होता है, लेकिन पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन बिल्कुल अलग होते हैं, तो हम उसे समझते हैं। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। अब जैसे देखिए कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, आप अभी के लिए मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट है आपके क्लास में, आपको कहा गया कि आप इनके एवरेज मार्क्स निकाल कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट के जो भी मार्क्स है उसका डेटा इस तरह से कलेक्ट करेंगे और उसका समेशन निकालेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे, ये आपका मीन निकल गया, यानी कि एवरेज स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स का जो है मीन निकल जाएगा इस तरह से। और अब मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है और मैंने कहा कि आप एवरेज मार्क्स निकाल के लाइए, तो आप 10 स्टूडेंट को आपने लिया और उसका एवरेज कर दिया, आपने कहा कि 10 स्टूडेंट का जो होगा वही बाकी सबका ही होगा क्योंकि ये उसी पॉपुलेशन में से लिया हुआ है, यानी कि जो जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ उसी क्लास के ये 10 स्टूडेंट है, तो रेंडमली आपने 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और उन्हीं का एवरेज निकाल के कहा कि हाँ यही एवरेज है। तो अब इसमें अंतर क्या है, अब यहाँ 50 स्टूडेंट थे आपके क्लास में और आपको उनका एवरेज निकालना था, उसका मीन निकालना था, तो आपने सभी 50 स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशंस निकाले और उसका मीन निकाल लिया। तो इस तरह से जब आप मीन निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन कहलाएगा और इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि जो जो पॉपुलेशन आपको दिया गया है उसके सभी ऑब्जर्वेशंस को आप लेते हैं और उससे आप अपना मीन निकालते हैं, तो पॉपुलेशन मीन होगा। अब जैसे देखिए पॉपुलेशन मीन यहाँ तो आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि एक कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनका आप इनकम का मीन निकाल के लाइए, यानी कि एवरेज इनकम निकालिए। तो एवरेज इनकम आप कैसे निकालेंगे, आपको हर कंट्री में जितने लोग रहते हैं सबका इनकम पूछना होगा और फिर उसको उसके पॉपुलेशन से जितने पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उससे डिवाइड करना होगा, जो कि बहुत लेंदी है और बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा ये प्रोसेस। तो ऑब्वियसली ये काम तो कोई करता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ लोगों को लेंगे और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे आपके कंट्री में 100 मिलियन लोग रहते हैं, सॉरी 100 मिलियन छोड़िए, मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन लोग आपके कंट्री में रहते हैं और आपने रेंडमली कुछ लाख लोगों का डेटा लिया और एक कंक्लूजन निकाल दिया कि ये एवरेज इनकम है, तो हम कहेंगे कि हमने पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाल लिया। तो जब आप सैंपल निकाल कर मीन निकालेंगे तो क्या होगा कि वो सैंपल मीन कहलाएगा, जिसे आप जनरली एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ें सेम है, ये पॉपुलेशन मीन का सिंबल है और ये सैंपल मीन का सिंबल है और फॉर्मूला वही है एक्स आई बाय एन, यही होता है कि पॉपुलेशन मीन के कॉन्टेक्स्ट में जनरली आप कभी कभी आप देखेंगे कि एन कैपिटल लेटर में लिखा होता है ये दिखाने के लिए कि आप पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि पॉपुलेशन जनरली बहुत बड़ा होता है
और उसका डेटा कलेक्ट करना, पॉपुलेशन के हर जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें सभी का डेटा कलेक्ट करना, ये फिजिबल नहीं होता है बिल्कुल भी। तो हम जनरली ऐसा नहीं करते, हम जनरली क्या करते हैं, हम सैंपल मीन ही निकालते हैं, हम सैंपल मीन निकालते हैं, पॉपुलेशन मीन जनरली हम नहीं निकालते हैं। तो जो यहाँ पे रेलेवेंट चीज़ है आपको समझने के लिए वही है कि ये जो सैंपल मीन है इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, यही आपका जनरली यूज होगा इकोनोमेट्रिक्स में। मीन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मीन्स होते हैं, तो वो आप स्टैटिस्टिक्स की बुक जो मैंने सजेस्ट की है उससे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो आपको इकोनोमेट्रिक्स में बहुत काम आने वाली है, उन्हीं चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ एक चीज़ आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, बहुत लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो मीन के बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। अब ये सही है या गलत है ये मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले हम समझें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या है, इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे देखिए आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है पाँच ही है और आपको क्या करना है, इसका मीन निकालना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। अगर ये पॉपुलेशन है और इसका मीन निकालें तो आप इसे म्यू से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई बाय एन, और जब आप इसे सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो समेशन एक्स आई वो 30 होगा और टोटल ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 5 है, यानी एन इज इक्वल टू 5 है। यहाँ जो हमारा मीन निकल के आया वो 6 है, और ये किसी पॉपुलेशन से लिया हुआ सैंपल है तो हम यहाँ पर सैंपल मीन लिखेंगे, और अगर ये पॉपुलेशन ही है तो हम म्यू का सिंबल देंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है क्योंकि जब भी आपको इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो मीन के ये दोनों सिंबल यूज होंगे, तो आपको समझ जाना है कि म्यू लिखा हुआ है इसका मतलब पॉपुलेशन मीन है और एक्स बार लिखा हुआ है इसका मतलब सैंपल मीन है। ठीक, तो यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आप इसे देखिए। अब पॉपुलेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक, जैसे कि कोई बच्चा 2 मार्क्स लाएगा इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि किसी स्टूडेंट को आप रैंडमली उठाइए और उसके 2 मार्क्स होंगे इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। इसके इसी तरह 4 मार्क्स होंगे इसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट और जो भी उनका रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि हर इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब अगर आप हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो, जैसे कि मान लीजिए कि 2 मार्क्स लाने की किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट की 0.2 है प्रोबेबिलिटी, 4 मार्क्स लाने की उसी स्टूडेंट की 0.2 है, यानी कि सिमिलर प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सेम प्रोबेबिलिटी है। यानी किसी आप एक स्टूडेंट को उठाइएगा इन पाँचों में से, आपके क्लास में 5 ही लोग हैं आप ऐसा मान के चलिए क्योंकि हम यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और रेंडमली किसी को उठाइएगा तो उसके 2 मार्क्स होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 4 होंगे इसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी है, 10 है इसकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं, यानी कि सिमिलर प्रोबेबिलिटी हमने दे दिया। और हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है एक्स का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला एक यूज करेंगे एक्स आई पी आई, यानी कि एक्स आई एक्स वन लिखिए यहाँ पर कि एक्स वन, यानी कि ये एक्स वन आप इसे कर सकते हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है पी वन। उसी तरह इसमें आप ऐड करेंगे एक्स टू जिसकी प्रोबेबिलिटी पी टू होगी, जो कि सिमिलर है इस केस में। इसी तरह करके जितने भी होंगे यहाँ 5 तक है तो एक्स 5 की और फिर इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी पी 5 होगी जो कि 0.2 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन आई 5 तक जाएगा और ये 1 से शुरू होगा और यहाँ पे एक्स आई पी आई होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो भी हो, जब आप इसे सोल्व करेंगे इसे तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्स आई की जगह पे हो जाएगा 2 और फिर इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से। इसी तरह एक्स टू की जगह पे 4 होगा और उसे भी आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन है आप उसको गिवन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 2 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 0.4
4 आएगा। इसी तरह जब सभी को आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा, और जब आप इसका एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे इन्हें, तो आपका 6 आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है, या मीन की जगह पे आप म्यू लिखे या एक्स बार लिखे, जो भी लिखे बराबर है। लेकिन क्या ये ऐसा ही होता है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं आप उसे बदल सकते हैं, यानी कि आप किसी पार्टिकुलर मार्क्स को कम प्रोबेबिलिटी दे दो, क्योंकि आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट का 2 मार्क्स आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है आपके स्टूडेंट में। ब्रिलियंट बच्चे हैं, 2 मार्क्स तो शायद कोई भी नहीं लाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी कुछ अलग असाइन कर देता हूँ, मैं 2 को प्रोबेबिलिटी दे देता हूँ 0.1, इसी तरह मैं 4 को प्रोबेबिलिटी दे देता हूँ 0.2, 6 को दे देता हूँ 0.3, 8 को 0.2, और फिर 10 को भी 0.2 दे देता हूँ। और जब आप इसे इसी फॉर्मूले में सेट करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 करेंगे, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। और इसी तरह जब आप इसे पूरा सोल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा अल्टीमेटली वो 6.4 होगा, जो कि बिल्कुल अलग है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन से बिल्कुल अलग है। अब जैसे देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन से अलग होने का क्या मतलब, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप क्यों यूज कर रहे हैं, मीन से हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्या मायने हैं, ये पढ़ते ही क्यों है? मीन से तो हम एवरेज निकाल ही ले रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के करना क्या है हमें? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सैंपल आप कलेक्ट करते हैं किसी एक बड़े पॉपुलेशन से, वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करते हैं किसी बड़े पॉपुलेशन से, और उससे आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे सैंपल का आपने मीन निकाल लिया, जिसे आप एक्स बार कहते हैं, और आपने कहा कि यही जो मीन हमने निकाला है वही पॉपुलेशन मीन के बराबर है, ऐसा कंक्लूजन आप निकालते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ठीक है, आपने सैंपल मीन तो निकाल लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉपुलेशन मीन के बराबर है या नहीं, क्योंकि आपको पॉपुलेशन मीन तो पता ही नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल जो पॉपुलेशन का मीन है वही जो हमने मीन निकाला है सैंपल से, वो एकदम वही होगा, क्योंकि आप पॉपुलेशन का मीन तो जानते ही नहीं है। आप पॉपुलेशन का मीन नहीं जानते हैं, इसीलिए आप सैंपल ले रहे हैं, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि सैंपल से लेकर जो आपने मीन निकाला है वो सही है या गलत है। तो अब जैसे देखिए, सैंपल के मीन में जो जनरल फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई बाय एन, इस तरह करके आप मीन निकाल सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन चूंकि बहुत बड़ा होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ये फिजिबल नहीं होता है कि आप हर ऑब्जर्वेशन को के पास जाएं और उनसे उनका डेटा कलेक्ट करें और फिर आपका मीन निकालें। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्साइज हैं, उसे हम अज्यूम करते हैं और उसकी कुछ उसे कुछ प्रोबेबिलिटीज दे सकते हैं। जैसे मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है, 1 लाख स्टूडेंट है आपके पूरे स्टेट में, और आपको एवरेज मार्क्स निकालना है उनका किसी पार्टिकुलर क्लास में, ग्रेजुएशन में ही जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं 1 लाख स्टूडेंट है, उनका आपको एवरेज निकालना है। ऑब्वियसली बात है कि वो 1 से लेकर 100 तक ही मार्क्स लाएंगे, तो किसी स्टूडेंट के 1 मार्क्स लाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, 2 की होगी 3 की होगी, इसी तरह 100 तक की कुछ प्रोबेबिलिटीज होगी। तो हम सभी को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे और उस प्रोबेबिलिटी को, जैसा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू का, उसी से हम क्या करेंगे, मीन अपना निकालेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, पॉपुलेशन मीन को ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन मीन नहीं पता है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही क्या कहेंगे, पॉपुलेशन का मीन कहेंगे। हमें एक्चुअली पॉपुलेशन का मीन नहीं निकालना है, हमें एक्चुअली पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है,
और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, इन्हें हम अपनी प्रोबेबिलिटीज दे देंगे। अब इसे समझिएगा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने जो प्रोबेबिलिटीज इन्हें असाइन की वो किस बेसिस पे की, क्या बेसिस रहा है उसका। जैसे मैंने कह दिया कि एक नंबर तो कोई लाने वाला नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं 0.001 दे देता हूँ। 100 भी कोई नहीं लाने वाला है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी 0.001 दे देता हूँ। 50 लाने वाले ज़्यादा हैं, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 देता हूँ। यानी कि जो कुछ भी है मैंने प्रोबेबिलिटी अपने मन से असाइन कर दी। तो वो मैंने कैसे की, मैंने अपने विजडम से, आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं ये एक मैंने अपने इंट्यूशन से ये की, या फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और उसी के बेसिस पे अपने एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे मैंने ये प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी। और इस तरह से हमने बिना डेटा कलेक्ट किए पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया। अब कोई भी एक वैल्यू होगा मीन का, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक सैंपल लेंगे उसी डेटा का और सैंपल से मीन निकालेंगे एक्स बार। और अगर एक्स बार जो कि आपने सैंपल से मीन निकाला है, जो कि आपका एम्पिरिकल रिजल्ट है, वो आपके इंट्यूशन से मैच कर जाता है, जैसे जो आपने पॉपुलेशन मीन निकाला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देकर, वो आपके इंट्यूशन से मैच कर जाता है, इसका मतलब चीज़ें बहुत सही हैं, जो आपने सोचा था वही चीज़ें एम्पिरिकल रिजल्ट में भी दिखाई दे रही है। अब आपने क्या सोचा था, आपने प्रोबेबिलिटी असाइन की थी डिफरेंट डिफरेंट, उसी के बेसिस पे आपने अपना पॉपुलेशन मीन कहिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने निकाल लिया, और वो आप देख रहे हैं कि इंपीरिकल रिजल्ट्स के लगभग बराबर है। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, यानी कि लगभग बराबर है, तो आप कहेंगे कि हाँ आपका विजडम सही है क्योंकि ये इंपीरिकल रिजल्ट से मैच कर जाता है। लेकिन अब मान लीजिए मिसमैच हो गया, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट हो गया, आपका जो पॉपुलेशन मीन, जो थियोरिटिकल मीन जो आपने निकाला प्रोबेबिलिटी असाइन करके, वो बिल्कुल अलग है, और आपने जो सैंपल मीन निकाला वो बिल्कुल अलग है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे या तो आपका आपने जो सैंपल लिया है इस पॉपुलेशन से वो रिप्रेजेंट नहीं करता है अच्छे से आपके पॉपुलेशन को, या आप कहेंगे कि आपका जो विजडम है जिसके आधार पे आपने प्रोबेबिलिटी असाइन की वही गलत है। दोनों में से तो कोई एक चीज़ जरूर गलत होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ को आपको सही करना होगा। या तो आप अपने इंट्यूशन को बदल दीजिए, आपने हाइपोथेसिस को बदल दीजिए, या फिर आप क्या करिए कि आप सैंपल बदल दीजिए, सैंपल का साइज बढ़ा दीजिए ताकि आप ज़्यादा रियल पिक्चर देख पाए। तो इस तरह के कंक्लूजन हम जनरली इकोनोमेट्रिक्स में निकालते हैं। जनरली क्या अक्सर यही होता है कि हम सैंपल लेते हैं और एक अपने इंट्यूशन से हम एक मीन डिसाइड करते हैं, थियोरेटिकल जिसे आप कह सकते हैं, थियोरेटिकल मीन कह सकते हैं आप उसे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कह सकते हैं, वो हम निकालते हैं और हम उसे क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वो पॉपुलेशन मीन के से के कितना बराबर है। तो जनरली ये प्रोसेस हम नहीं करते, हम सिंपली मान लेते हैं कि हमारा इतना मीन है, यानी कि वो हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया कि वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि इसका मीन जो होगा वो 60 होगा, यानी कि एवरेज स्टूडेंट ने 60% मार्क्स लाए होंगे, और हम सैंपल से उसे टेस्ट करेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर सैंपल में वही रिजल्ट आता है तो आपका विजडम सही है, आपका इंट्यूशन, आपका हाइपोथेसिस जो भी है वो बिल्कुल सही है। अगर डाइवर्जेंट होता है तो आपको दोनों में से कोई एक चीज बदलने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज समझ पाएंगे कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो जनरली यूज होती है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, ये आपको समझना है। और ये हमें एक्चुअली कभी पता नहीं होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हम नहीं निकालते, हम सिर्फ अज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने थियोरेटिकल मीन अज्यूम किया सबका, हमने प्रोबेबिलिटी अज्यूम किया, हमें प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मालूम नहीं है, हमने इंट्यूशन विजडम या अपने हाइपोथेसिस लेकर कुछ प्रोबेबिलिटी सबको दे दी, ठीक। तो ये अक्सर हम पॉपुलेशन के साथ करते हैं। सैंपल का हम सिंपली मीन निकाल सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया है, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये यही चीज़ें जो होती हैं पूरे इकोनोमेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं, हम सैंपल लेते हैं और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है आपको समझ में आया होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू को बाद में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी असाइन करके हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, या फ्रीक्वेंसी असाइन करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करेंगे गूगल क्लासरूम में, या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन गूगल क्लासरूम अगर आप ज्वाइन करें और वहाँ भी कमेंट करें तो सबसे
अच्छा होगा क्योंकि उन्हें प्रायोरिटी मिलती है जो गूगल क्लासरूम में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।